हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 99/100, 30/50, 8/10, 3/5, 8/25। ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर 100 होता है, तो उसको हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल 99 है उसको लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 100 है, तो 100 की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। समझ आया? ये इसी तरह ही है जैसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी 65 है वो वैसे ही आ गया, परसेंटेज की जगह डिनोमिनेटर में 100 आ गया। जब ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है ना। ठीक है, हमने अभी क्या किया है, इसको इसमें कन्वर्ट किया है, तो इधर ये है तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ कि 99 ऊपर आ गया और 100 की जगह जो है परसेंटेज है हमारे पास आ गया। ये तो बहुत सिंपल था कि डिनोमिनेटर में 100 था और हमने डायरेक्ट न्यूमरेटर लिखा और उसके साथ परसेंटेज लगा दिया। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 ना हो, ऐसे ही है, डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, 50 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 30/50 लिखें। ठीक है, अब हम क्या करें कि 50 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 100 आ जाए। 50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है ना, तो नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 कितना होता है, 60। इसी तरह हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 52 100। और अब हम इसको किस तरह लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में 60 उसको ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो उसकी जगह परसेंटेज आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 8/10 हो तो क्या करेंगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाए 10 से, नीचे भी 10 और ऊपर भी 10 आ गया, 8 10 80 आ गया और 10 10 100 आ गया। और अब हमारे पास क्या आ गया, ये इस तरह का आ गया कि डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 80 का 80 लिख लेंगे, 100 है डिनोमिनेटर में तो उसकी जगह परसेंटेज आ गया। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है 3, नीचे 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 100 आ जाए, तो 5 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो हमारे पास 100 आता है, नीचे भी 20 और ऊपर भी 20। ये तो सिंपल है ना, 100 60 का 60 नीचे है, 100 है तो उसकी जगह परसेंटेज आ गया। अभी तक हमारे पास सिंपल आते जा रहे हैं कि हम डायरेक्ट जैसे 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें 100 आ रहा है, 10 को 10 से करें, 50 को 2 से करें, इसी तरह 25 को 4 से करें। लेकिन अगर मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं, ये देखें 8 है 6 है डिनोमिनेटर में, तब हम क्या करते हैं, मैंने इन पर भी वीडियोस बनाई हुई है, ये देखें, फ्रैक्शन को ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लेकिन थोड़े से डिनोमिनेटर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है कि हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हमारे पास 100 आ जाए, 100 नहीं बनता, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम किसी बड़े और नंबर से कर लेते हैं, हमारे पास 200 आ रहा है, 25 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 200 आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी 200 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 200 को इस तरह लिख लिया, 2 × 100 हम लिख सकते हैं ना, जब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं ना। फिर मैंने क्या किया, इसको ये फ्रैक्शन बना ली और 100 का 100 आ गया और इधर कुछ भी नहीं था तो 1 लिख लिया, इसकी 2 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट इसको कर दिया, ये ऐसे ही आ गया और डिनोमिनेटर में 100 है तो हमने उसकी जगह परसेंटेज लिख दिया और देन हमने इसको सॉल्व कर लिया। आपकी मर्ज़ी है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो भी ठीक है, इसको जो है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो भी ठीक है। इसी तरह 6 था, हम 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 नहीं आता, तो हम लोगों के पास 100 नहीं आ रहा, फिर हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आ रहा है, तो हमने 300 ही ले लिया। ठीक है, 300 ही लिख लिया, 50 से ही मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी नीचे भी, तो हमने देन 300 को जैसे 200 को किया था, 2 × 100 इधर कर लिया, 3 × 100 बाकी सेम है। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। चलें जी, अब हम ये सॉल्व कर लेते हैं, 8/25 है। ठीक है, समझाने का मकसद है, ये तो डिनोमिनेटर में सिंपल नंबर्स हैं, अगर आपके पास ऐसे नंबर आ जाते हैं जैसे 6 8, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 8 ऊपर है, 25 नीचे है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, ऊपर भी नीचे भी,
8 4 32, 25 4 100, क्या करेंगे 32 और 100 डिनोमिनेटर में, तो उसकी जगह परसेंटेज आ जाएगा। सो सिंपल। तो ये क्या है हमारे पास फ्रैक्शन में परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड। ओके क्लियर हुआ। सबसे पहले मैंने आपको इजी जो थी सबसे एग्जांपल वो सॉल्व करवाई, क्वेश्चन सॉल्व करवाया, देन ये ठीक है। फिर इसका भी बता दिया कि डिनोमिनेटर में अगर इस तरह है तो हम क्या करेंगे। ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड। फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन है परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। बात की जाए अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम ये मेथड फॉलो करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ऑलरेडी परसेंटेज में है, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। 65 वैसे आ गया परसेंटेज जब होता है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। जैसे 100 डिनोमिनेटर में हो तो हम परसेंटेज लिख देते हैं साथ, फिर हम देखेंगे कट होता है या दोनों 5 से कट हो रहे हैं, कट हो गया अगर फर्दर ये सॉल्व नहीं होते, कट नहीं होते, तो ये फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह ये पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ही जैसे इसमें किया है ना, हमारे पास परसेंटेज में था, हमने इसको इस तरह फ्रैक्शन में लिख दिया। हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया, अभी हमने पॉइंट को सॉल्व नहीं किया। अब हम लोगों ने क्या करना है, 100 वैसे ही लिख लिया और इसको होल नंबर में लिख लिया, ऐसा ही है, होल नंबर में लिख लिया। और इसका क्या करेंगे, ये डेसिमल नंबर है, हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट की जगह 1 आ गया डिनोमिनेटर में, और 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो ये 20 आ जाएंगे। ठीक है, देन इनको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा और ऊपर ये आ रहा, फिर कटिंग किया तो कट करके हमारे पास ये आ रहा, और ये फर्दर कट नहीं होता, ये आंसर आ गया। और फ्रैक्शन में हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये मेथड होता है, और ये भी हमने जो किया ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड है। मैंने इन पे भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी हैं इनको भी चेक कर सकते हैं, ये भी हैं आप इनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।